हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज संडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने आपके कमेंट्स को लेकर के लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स में उपस्थित हो गया हूं। जी हां, आज हम बात करेंगे कुछ लोगों द्वारा किए गए कमेंट्स की और उसमें पूछे गए सवाल की। जी हां, यहां पर इतने सारे सवाल नहीं होते जिसके लिए हम अलग से कोई वीडियो लेकर के आए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब कभी भी आप वीडियो देखते हैं। और एक और चीज, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग लाइक करने में कंजूसी दिखाते हैं। जी हाँ, लाइक करने में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, आप कमेंट करें। जी हाँ, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे टीम जो इसके पीछे काम करती है उसे ये प्रेरणा मिलती है कि वो आपके लिए सतत रूप से वीडियो अपलोड करते रहे। जी हाँ, और एक और चीज़ है कि मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि बढ़ती हुई ठंड और स्टूडियो में कुछ गड़बड़ी की वजह से पिछले वीक सिर्फ 3 ही एपिसोड आ सके एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स की। इस वीक से कोशिश करूंगा कि ये रेगुलर हो सके। जी हाँ, और एक और सलाह है बच्चों को कि ये ठंड है, इस ठंड में जो है अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी हाँ, सुरक्षित रहें, क्योंकि सुरक्षित रहना आपके लिए पढ़ाई का एक सबसे बड़ा लेसन होता है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके द्वारा कुछ भी अर्जित किया जा रहा हो, चाहे वो ज्ञान हो या फिर आप पैसे कमा रहे हो, कहीं पर भी वो आपके लिए फिर फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं आपके लिए ये सारी चीज़ें बेकार है। वैसे भी कहा गया है और आप सब इससे परिचित भी होंगे, हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, मैं आपको यही कहूँगा कि इस सर्दी में अपना और अपनों का ध्यान रखें। जी हाँ, कपड़े पहने, और कपड़े पहनने से ही आप स्टाइलिश दिखते हैं। अगर आपको ठंड लगती है उससे बचने की कोशिश करें, बच बचा करके इंस्टीट्यूट जाएं, पढ़ें और समय से सब कुछ करें और स्वस्थ रहें। जी हाँ, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स यही कामना करता है आपके लिए। अगले वीक से, यानी कि आने वाले कल यानी मंडे से, जो है सारे एपिसोड कोशिश की जाएगी कि आपके लिए रेगुलर रखा जाए। चलिए आज हम यहाँ पर आपके द्वारा किए गए कमेंट की बात करते हैं, और उस कमेंट से पहले मैं सबको एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपके इस प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेगा। आप अपना प्यार बनाए रखें और हम आपके साथ ज्ञान का ये एपिसोड, ज्ञान को शेयर करने की ये परंपरा जारी रखेंगे और प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया, आपके ज्ञान संवर्धन में कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम यहां पर देखते हैं जो पिछले दिन कमेंट बॉक्स अपलोड करने के समय में या उससे पहले जो कमेंट्स आए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। रूपाली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको टीचिंग मेथड्स अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आप सफल हों। ज्योति यादव ने पूछा है, सर फियर ऑफ एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं? जी हाँ, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, इसे मैंने नहीं बताया था बच्चे, मैंने आपको कहा भी था कि आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, एग्जामिनोफोबिया कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं एग्जामिनोफोबिया, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत आसान है ये, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। फियर ऑफ एग्जामिनेशन को कहते हैं एग्जामिनोफोबिया। जी हां, फिर इसके बाद जो एंजल बबुआ, थैंक यू, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अमरजीत कुमार ने पूछा है, सर CGL और CHSL की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं? तो बंधु, इस क्लास की डेमो चल रही थी, फाइनली ये क्लास कल से 3 बजे से अभी फिलहाल MWF 3 बजे शाम। जी हाँ, और आपको एड्रेस पता होगा, 27 बेसमेंट गोल्ड जिम, कबीर अमन पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पटना। जी हाँ, गोल्ड जिम का जो बिल्डिंग है, चौराहा से हाईकोर्ट की तरफ जाने पर पहली जो लेफ्ट गली है जिसमें गोल्ड जिम है, उसी गोल्ड जिम बिल्डिंग के बेसमेंट में आपको ये इंस्टीट्यूट स्थित है। आपके लिए CGL और CHSL की बैच, जो आप इससे पहले एक दो दिन डेमो चल रही थी, क्लास जो है वो कल से शुरू होगी। जी हाँ, ऑन मंडे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उस पर ज्यादा डिटेल के लिए कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद सिजान ने कहा है, सिजान को बहुत बहुत धन्यवाद, वंडरफुल सर। शशांक शेखर ने सवाल पूछा है, कैलिगाइनोफोबिया प्लीज डिफाइन इट सर। जी हाँ, देखा जाए शशांक, इसे आप केलिगाइने या फिर केलिजाइने फोबिया भी पढ़ सकते हैं। एज यूजुअल यहां फोबिया का मतलब है फियर से, यहां जो गाइने वर्ड है ये आपको पता होगा, इसे हम वुमेन से डिफाइन कर चुके हैं, और एक वर्ड है ग्रीक में कैली, उससे ये वर्ड बना हुआ है और इसका मतलब होता है ब्यूटिफुल। जी हां,
क्या मतलब होता है? ब्यूटिफुल। तो अब यहां पर शशांक शेखर, आप ये आसानी से समझ गए होंगे कि कैलगाइनोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ ब्यूटिफुल वुमन। जी हाँ, सुंदर स्त्री से जो एक इरेशनल फियर होता है, आप उसे नर्वसनेस, अनकंफर्ट फील करना, या फिर उससे उसको देख करके जो डर लगता है, इरेशनल फियर, आप उसे कह सकते हैं कैलगाइनोफोबिया। जी हाँ, आप क्या कह सकते हैं उसे? कैलगाइनोफोबिया। पूजा यदुवंशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एंजल बोवन है, बहुत सारा सवाल पूछा है, और इस सवाल में एंजल आपके द्वारा लिखा गया जो पहला स्पेलिंग है एंटोमोफोबिया, इसकी स्पेलिंग में ए से शुरुआत नहीं, ई से शुरुआत होता है। जी हाँ, एंटोमोफोबिया। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड एंटोमोस से बना हुआ है, और एंटोमोस का मतलब होता है इंसेक्ट। जी हाँ, इंसेक्ट। और फोबिया का एज यूजुअल मतलब आप समझते ही हैं, फियर। तो इरेशनल फियर ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो कहलाता है एंटोमोफोबिया। जी हाँ, स्पेलिंग में आप देख लेंगे, इसे सुधार कर लेंगे। आपने यहाँ पर लिखा है ए एन जी नहीं, ई एन टी ओ एम ओ, एंटोमोफोबिया। फिर आपने अगला लिखा हुआ है एरेक्नोफोबिया। जी हाँ, एरेक्नोफोबिया। और यहां पर मैंने बताया था कि एक वर्ड है एरेक्ने, ARAKHNE, जिसका मतलब होता है स्पाइडर। जी हाँ, इसको आप एपिसोड में जाकर के फिर से आराम से, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं स्पाइडर। और फोबिया का मतलब है फियर। तो आप यहाँ आसानी से फिर से समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ कि आप आसानी से ये बात समझ पा रहे होंगे कि इरेशनल फियर ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफोबिया। अब देखिए कि आप उसमें इस डर को भी शामिल कर सकते हैं, जी हाँ, कि स्पाइडर के डर को, लेकिन उसको आप जब स्पेशलाइज्ड करेंगे कि भाई कीट में स्पाइडर से जो मतलब कीड़ा है वहां पर, तो उससे जो डर लगता है, तो आप उसे अलग से आप कह सकते हैं एरेक्नोफोबिया। जी हाँ, उसके बाद जो अगला यहां पर है वो है स्कोलियोनोफोबिया। इन्होंने फिर से पूछा है स्कोलियोनोफोबिया। जी हाँ, इसके उच्चारण में मैंने वहां पर इसके साथ साथ सबसे पहले जो बताया था वो था डिडास्क्लियानोफोबिया, और मैंने उसके साथ बताया था स्कोलियोनोफोबिया, और मैंने कहा था कि इसका मतलब होता है नोइंग। जी हाँ, इसमें जो एक वर्ड है स्कोलियोनो, ये एक वर्ड साइज से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है नोइंग, और इसीलिए आप स्कोलियोनोफोबिया को इस नाम से जान सकते हैं कि इरेशनल फियर ऑफ स्कूल। जी हाँ, स्कूल से जो डर लगता है, इरेशनल फियर, आप उसे डिडास्क्लियानोफोबिया भी याद रख सकते हैं, या फिर स्कोलियोनोफोबिया भी उसे कह सकते हैं। यहाँ पर आराम से इस शुरुआती चार लेटर को आप देख करके आराम से स्कूल याद रख सकते हैं। जी हाँ, जोड़ करके, कनेक्ट करके आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंटोमोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ इंसेक्ट, एरेक्नोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ स्पाइडर, एंड स्कोलियोनोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ स्कूल। फिर इन्होंने अगला जो पूछा है वो है मेयूसोफोबिया। जी हाँ, MAIEUSIOPHOBIA। इसमें मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी से डर लगता है, बच्चों को जन्म देने से डर लगता है। देखिए, कई बार मैंने आपको ये कहा है कि मैं तोड़कर समझाता हूँ कि ये कौन सी ओरिजिन का वर्ड है, कहाँ से आया है। मेकिटोस एक वर्ड था इसमें, जिसका मतलब है प्रेगनेंसी। जी हाँ, बच्चे को जन्म देने से, प्रेगनेंसी से जिसे डर लगता है, उस इरेशनल फियर को आप कह सकते हैं मेयूसियोफोबिया। तो उस रूट से वो कहाँ से आया है, वो किस कितने फेज से गुजर करके, डेवलपमेंट के दौर से गुजर करके तब एक फाइनल वर्ड आया। आप उसको नहीं भी याद रखें तो चलेगा। मेयूसियो का मतलब आप प्रेगनेंसी याद रख सकते हैं, एंटोमो का मतलब इंसेक्ट, स्कोलियोनो का मतलब स्कूल, और एरेक्नो का मतलब स्पाइडर से रख सकते हैं। तो कीड़ों से इरेशनल फियर ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफोबिया, एरेक्नोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड एरेक्नोफोबिया, स्कोलियोनोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ स्कूल इज कॉल्ड स्कोलियोनोफोबिया, एंड मेयूसियोफोबिया इज इरेशनल फियर ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ, बच्चे को जन्म देने या प्रेगनेंसी से जो डर लगता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है बैथमोफोबिया फियर, और ये जो वर्ड है बैथमो, इसका मतलब है स्टेयर्स या स्टीप स्लोप से। जी हाँ, स्टीप स्लोप यानी सीढ़ियों से, या फिर तीक्ष्ण ढाल से, जो तेजी वाली ढाल होती है। एक ढाल होता है जिसमें ऐसा ढाल होता है, मतलब धीमा ढाल कह सकते हैं, और जो ऐसे ज्यादा एंगल का ढाल हो, जी हाँ, उसे आप कह सकते हैं तीक्ष्ण ढाल। तो यहां पर जो
बैथमोफोबिया का मतलब है कि सीढ़ियों से या ढाल से जिसे डर लगता है, ढलवे जगह से, स्टीप स्लोप से जिसे डर लगता है, उसे हम कहते हैं बैथमोफोबिया। यहाँ पर एंजल, मैं समझता हूँ कि अभी जो आपने यहाँ पर एंटोमोफोबिया, मैं फिर से दोहरा दूँ, आप स्पेलिंग चेक कर लेंगी, ENTOMOPHOBIA, एंटोमोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ इंसेक्ट। एरेक्नोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स। स्कोलियोनोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ स्कूल। मेउसोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड बैथमोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप। चलिए इसके बाद अविनाश चंद्रा ने लिखा है, मे आई यूज एक्यूलो एंड एज सिनोनिम ऑफ लाइगो। जी हाँ, दोनों का मतलब होता है अंधेरे से, डार्कनेस से, शैडो से, शेड से, बिल्कुल कर सकते हैं किसी हद तक। उसके बाद पूजा सिंह ने पूछा है, सर खाने से डर लगता है उसे कौन सा फोबिया कहते हैं? तो पूजा, उसे कहते हैं सिबोफोबिया। जी हाँ, सिबोफोबिया, CIBOPHOBIA। और सिबोफोबिया का जो मतलब होता है वो होता है इरेशनल फियर ऑफ फूड, या फिर कह सकते हैं ईटिंग से जो डर लगता है, खाने से, भोजन से जो इरेशनल फियर है उसे आप कह सकते हैं सिबोफोबिया। एंजल बुआ ने पूछा है, एंड्रोजिनस को फिर से रिव्यू करवा दीजिए। एंड्रोजिनस, जी हाँ, ANDROGYNOUS, जी हाँ, US। यहां देखिए कि OUS मैंने बताया था कि एडजेक्टिव सफिक्स के दौरान मैंने बताया था कि ये मौजूद होगा। यहाँ एंड्रो का मतलब मैन से है, मेल से है, और अभी भी मैंने चर्चा की है ये वर्ड जो है गाइने जीनो यहाँ पर लिखा हुआ है। जी हाँ, इसका मतलब होता है वुमेन। मतलब ये है कि ऐसा पोर्शन जिसमें मैन और वुमेन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हों, आप उसे एंड्रोजिनस कह सकते हैं। जी हाँ, आप उसे एंड्रोजिनस कह सकते हैं। मतलब ये है कि शोइंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड एंड्रोजिनस। क्या कहेंगे? जो मैन और वुमेन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है उसे हम कहते हैं एंड्रोजिनस। एंजल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इससे फायदा पहुंच रहा है। संगीता आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका ने पूछा है, फियर ऑफ रिवर्स को क्या कहते हैं? तो फियर ऑफ रिवर्स को कहते हैं पोटामोफोबिया। जी हां, पोटामोफोबिया। यहां देखिए कि पोटामोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिवर्स और रनिंग वाटर। जी हां, आप यहां पर इसमें यह भी जोड़ सकते हैं रनिंग वाटर। तो पोटामोफोबिया यहां पर जो है फियर ऑफ रनिंग वाटर को कहते हैं, या फियर ऑफ रिवर को कहते हैं। खाने से जो डर लगता है उसे कहते हैं सिबोफोबिया। जी हाँ, इसके बाद और किसी ने, हाँ, एक जया भारती ने पूछा है, फियर ऑफ कलर उसको कहते हैं क्रोमोफोबिया। जी हाँ, क्रोमोफोबिया या क्रोमेटोफोबिया भी आप इसे कह सकते हैं। जी हाँ, क्रोमो का मतलब कलर होता है और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, फियर ऑफ कलर्स इज कॉल्ड क्रोमोफोबिया। मैं समझता हूं कि आप अगर इस तरीके से सवाल पूछते रहते हैं तो हमारा ये वीकली और स्पेशल सेशन भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। जी हां, मैं आपसे यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि अपने देखने के दौरान आप अपने कमेंट्स जरूर जो है इसके कमेंट सेक्शन में करें। आपको अगर मन में कोई दुविधा रहती है तो आप उस दुविधा को बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। और एक और चीज़ कि जब आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें और अपने मित्रों को बताएं, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें। जी हाँ, संडे है, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ समय बिताइए, दोस्तों के साथ समय बिताइए। कल से फिर पढ़ाई पर वापस लौटना है, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से This is BK Singh signing off. Thank you. God bless you.